इस वक्त मौजूद हैं विजय घाट पर और गांधी जयंती के साथ में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और इसमें किसान जो हैं वो किसान सम्मान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तमाम जो किसान संगठन हैं वो जुड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन अमावता से संगठन की तरफ से यहाँ किसान जुटे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, किस वजह से जुटे हैं? देखिए, हमारी मांगे वही मांगे हैं जो आंदोलन चला। देश के प्रधानमंत्री ने कहा MSP रहेगी, MSP है और MSP की गारंटी, आज तक ना तो MSP की कोई गारंटी है। हमारी मांग दूसरी है संपूर्ण भारत के किसान का कर्जा माफ़ हो। आज तक पूंजीपतियों का जब कर्जा माफ़ हो गया, जो देश से भाग गए पैसा लेकर बैंकों का, और एक मांग हमारी यह है कि पूरे संपूर्ण भारत के किसान का कर्जा माफ़ हो। किसान की ज़रूरत में आने वाली चीज़ों पर सब्सिडी मिले किसान को। हमारा कुछ क्षेत्रों में मुआवजा आज तक नहीं मिला, भूमि अधिग्रहण 15 साल पहले हो गई, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो आज तो हम अपने प्रिय नेता की समाधि पर आए हैं, ये लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे, फिर भी लड़ेंगे। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाने के लिए हम आए हैं और एक ये तय करेंगे कि हम 2 दर्जन संगठन हैं, डल्लेवाल जी है, कक्का जी है, हम हैं, और ये ताकतवर संगठन है। इसके लिए या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले और नहीं तो फिर आंदोलन के लिए हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब 13 महीने तक आंदोलन चला, तमाम बॉर्डर्स पे चला, तो जो संगठन थे, कुछ संगठन जो हैं वो राजनीति में चले गए, आपकी उनकी दिशाएं अलग अलग हो गई, तो लगता है उससे भी आपकी लड़ाई कहीं कमज़ोर पड़ी है? कमज़ोर तो पड़ी है, लेकिन हम जो लोग हैं राजनीतिक हैं, डल्लेवाल जी हैं, बड़ा संगठन है इनका पंजाब में, कक्का जी हैं, हम हैं, हम तो नहीं गए राजनीति में, और ना हम राजनीति का जब करेंगे, हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे, हम तो किसान की बात कर रहे हैं, किसान की लड़ाई। तो हमने ये तय किया है अभी संयुक्त मोर्चा अराजनीतिक, डल्लेवाल जी हैं, कक्का जी हैं, हम हैं, और भी कुछ हमारे आंध्रा से आए हैं, कुछ लोग तेलंगाना से आए हैं, मिल करके किसान की लड़ाई को एक प्लेटफार्म से हम लड़ने का काम करेंगे, ये हम तय कर। SKM को आप राजनीतिक मानते हैं पुराने वाले में? वो तो राजनीतिक होगा, मैं क्यों कहूँ, अब आप सब कुछ मालूम है, राजनीतिक हो गया वो तो, हम तो अराजनीतिक जब भी नहीं है, चुटूनी वटूनी सब ये चुनाव लड़ लिए, देख लिए, इन्होंने किसान की बात को कमज़ोर किया जो राजनीति में गए और मिला कुछ नहीं। और हम ये कर रहे हैं कि जो ताकतवर लोग हैं वो फिर से इस SKM अराजनीतिक को बना रहे हैं, और अभी दिल्ली में बड़ी पंचायत करके फैसला करेंगे, वो मैं अकेला नहीं, सब मिलकर करेंगे जो भी फैसला। धन्यवाद जी, आपसे बात करूंगा, ये बताइए कि जिस लड़ाई को लेकर के, हमने भी आपसे कई बार बात की, 13 महीने तक बॉर्डर्स पे रहे, जिस चीज़ को लेकर चले थे वो चीज़ें आगे जाके बिखर गई, बहुत सारे लोग जो है राजनीति में कूद पड़े, उससे आपकी लड़ाई कमज़ोर पड़ी? देखिए, लोग उस समय भी आपने बहुत सारे मंचों के ऊपर ये बात सुनी होगी कि जब तक वो नॉन पॉलिटिकल रहा, राजनीति से दूर रहा, वो एक जगह पे जुड़ाव रहा, लोग चाहते हैं, पूरे देश का किसान चाहता है कि नॉन पॉलिटिकल रहकर आंदोलन लड़ा जाए। जो आदमी नॉन पॉलिटिकल इसको रखेगा, लोग अपने आप उसका साथ देंगे। अगर इसको नॉन पॉलिटिकल रखते हुए हम आगे बड़ी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो लोगों का हमारे हमें सहयोग भी मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वही एक आपने देख लेना, पूरा देश एक जगह पर फिर एकजुट होगा, और जब पूरे देश को आज यहाँ बैठे हैं, और मैं पंजाब से आया हूँ, अलग अलग स्टेटों से बैठे हैं, कर्नाटका से लेकर वहाँ आगे आंध्रा से, हाँ, सभी स्टेटों से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब वो बात तो नहीं है कि ये मतलब पूरे सभी संगठनों की बात अगर हम कहें, लेकिन लोगों की बात है, जो किसान जो हैं, किसान इसको गैर राजनीतिक मानते हुए इसको पूर्ण सहयोग दे रहा है, और आगे की लड़ाई की हम तैयारी कर रहे हैं। एक साथ तो हम पहले भी नहीं थे, अलग अलग विचार थे, कोई कुछ चाहता था, कोई कुछ चाहता था। अगर कोई अपनी वो विचारधारा छोड़कर हमारी इस विचारधारा को मानता हुआ कि हम नॉन पॉलिटिकल रहकर काम करने के लिए तैयार हैं, तो उनको वेलकम करेंगे हम, लेकिन इसको बड़ा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। आज केवल शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं यहाँ पर, या कोई आगे की रूपरेखा तय करके कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं? आज के बाद SKM नॉन पॉलिटिकल की एक बैठक हो रही है भोपाल में, यहाँ से सीधे वहाँ जाएंगे हम। आज यहाँ देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो आज की बात करनी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी एक वो नेता हुए हैं, जब हम छोटे हुए पढ़ा करते थे ना, हमारे अध्यापक मुझे बताया करते थे, वो इतनी बात यहाँ तक बात कह दिया करते थे कि अगर हमारे देश के अंदर कोई एक नंबर का सबसे बढ़िया
प्रधानमंत्री हुआ है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ है। गरीबी उनके खून में थी, उससे उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, उसको संभाल कर रखा। दूसरी बात, एक ही प्रधानमंत्री है जिसने जवान और किसान की बात करी है, जवान और किसान को बचाने का प्रयास किया, और आज यहाँ तक क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। उसने तो देश के सम्मान को कायम रखने के लिए किया ना कि सभी भाई एक दिन का खाना बंद कर दो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज कोई बड़ी घोषणा की संभावना है या फिर भविष्य में? आज नहीं होगी लेकिन होगी। आज तो यहाँ देखिए हम क्या करने आए हैं, हमारे प्रिय नेता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनका दिन मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ से जाकर हम मध्य प्रदेश में एक बैठक होगी, उस बैठक में हम निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए आगे। बैठक कब है? तीन और चार की, तीन चार की बैठक है वहाँ। तो तमाम जो किसान हैं, बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, आंध्रा की, तमाम जो किसान हैं वो आए हुए हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो किसान का संयुक्त मोर्चा था वो राजनीतिक हो गया था, अब राजनीतिक एक अलग संगठन बनाएंगे और किसानों की लड़ाई को आगे लड़ेंगे, इसके लिए आगे बैठकें होंगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। अपनी वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।